students, myself, co-teacher, today I am going to start your mathematics subject in standard 4. Your chapter 2 is long and short. So, पहले हम देखेंगे 1000 meter is equal to कितना होता है? 1 kilometer इसके बारे में आप पहले पहचान में होंगी. 1 kilometer is equal to 1000 meter भी हम लिख सकते हैं. Kilometer को हम km भी लिख सकते हैं. तो 1000 meter is equal to 1 kilometer होगा. तो 500 meter is equal to कितना होगा? Half kilometer होगा. क्योंकि इधर 1000 meter का 1 kilometer होगा, तो इधर आधा हो गया. 500 meter तो कितना होगा? Half kilometer. ऐसा ही है कि 100 centimeter is equal to 1 meter. Centimeter को हम cm भी लिख सकते हैं. तो 1 meter is equal to 100 centimeter भी लिख सकते हैं. तो ऐसा ही है. तो इधर 1000 meter is equal to 1 किलोमीटर है. तो 2000 मीटर इज इक्वल टू कितना होगा? 2 किलोमीटर. ऐसे कोई भी नंबर है तो हम लिख सकते हैं. ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन है कि मेक हर राइट आर्म 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द लेफ्ट आर्म. तो लेफ्ट आर्म आपको इधर दिया है, तो लेफ्ट आर्म से राइट आर्म कितना ड्रॉ करना है? 1 सेंटीमीटर लॉन्ग. ठीक है, तो ये इससे 1 सेंटीमीटर लॉन्ग करना पड़ेगा. सेकंड क्वेश्चन है कि ड्रॉ अ कप 1 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दिस कप. तो ये क्या है कि कप ड्रॉ करके आपको दिया है, इससे 1 सेंटीमीटर क्या बनाना है? शॉर्ट. तो द कप ड्रॉन इन द फिगर बिलो इज 1 सेंटीमीटर शॉर्टर. तो इससे ये कितना शॉर्ट है? 1 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ड्रॉ अ ब्रूम. थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है कि ड्रॉ अ ब्रूम हाफ एज लॉन्ग एज दिस ब्रूम. तो ये ब्रूम दिया है आपको, तो इससे ये कैसा बनाना है? आपको हाफ बनाना है. तो अ ब्रूम हाफ ऑफ द साइज ऑफ ब्रूम गिवन इन फिगर इज ड्रॉन. ये तो इससे ये कैसा बनाया? हाफ. फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है ड्रॉ अनदर हेयर ऑफ डबल द लेंथ. तो इधर आपको लेंथ 1 हेयर की ड्रॉ करके दी है, इससे वो कैसे बनानी है? डबल. तो हेयर ऑफ डबल लेंथ इज शोन हियर. तो ये हेयर से ये कैसा बनाना है? डबल. तो इधर ऐसी फिगर बनेगी क्योंकि 1 हेयर इधर है और दूसरा हेयर इससे क्या बनाना है? डबल. फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है कि जंपा वंस रीड अ लिस्ट ऑफ द टॉलेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड. द वन ऑफ देम वाज 272 सेंटीमीटर टॉल. तो दैट इज जस्ट डबल ऑफ जंपास हाइट. जंपास से हाइट से कितनी थी? डबल. तो हाउ टॉल इज जंपास? तो सेंटीमीटर में लिखना है. तो हाइट ऑफ अ पर्सन इज कितनी थी? 272 सेंटीमीटर. तो आपको क्या पूछा है कि क्या दिया है? इन द वर्ल्ड वन ऑफ देम वाज 272 सेंटीमीटर टॉल. दैट इज जस्ट डबल ऑफ जंपास हाइट. तो उससे हाइट से कितना था? डबल. तो 272 सेंटीमीटर डिवाइड 2 करोगे तो हमें जंपास की हाइट मिल जाएगी. तो कितना आएगा? 272 डिवाइड 2 करोगे तो 136 सेंटीमीटर. देयरफॉर जंपा इज 136 सेंटीमीटर टॉल. ओके, सिक्स नंबर का क्वेश्चन है हु इज द टॉलेस्ट इन योर फैमिली. तो आपकी फैमिली में सबसे टॉलेस्ट कौन है? तो माय फादर इज द टॉलेस्ट इन माय फैमिली. हिज हाइट इज 173 सेंटीमीटर. कितनी है फादर की हाइट? 173 सेंटीमीटर. सेवन नंबर का क्वेश्चन है हु इज द शॉर्टेस्ट इन योर फैमिली. तो आपकी फैमिली में सबसे शॉर्टेस्ट कौन है? तो माय यंगर ब्रदर इज द शॉर्टेस्ट इन माय फैमिली. हिज हाइट इज 96 सेंटीमीटर. कितनी है हाइट? 96 सेंटीमीटर. ठीक है, एट नंबर का क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा था? सिक्स नंबर का कि हु इज द टॉलेस्ट इन योर फैमिली. तो आपके फादर थे, शॉर्टेस्ट कौन है? यंगर ब्रदर. तो फादर की हाइट
किलोमीटर, तो क्या है कि E नॉट 1500 मीटर रेस इक्वल रनिंग 1 and 1/2 किलोमीटर, 1 and 1/2 किलोमीटर। तो चलो इधर क्या है कि 1500 दिया है, तो हमें पहले ही था कि 1 आपको इधर मीटर में दिया है और आपका आंसर इसमें लाना है किलोमीटर में, ठीक है। तो 1 आगे देखा कि 1000 मीटर इज इक्वल टू कितना होगा 1 किलोमीटर एंड 500 मीटर इज इक्वल टू कितना होगा 1/2 किलोमीटर। तो इधर आपको क्या दिया है 1500, तो 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होगा एंड 500 मीटर का कितना होगा 1/2 किलोमीटर। तो आपका फाइनल आंसर किलोमीटर में क्या मिलेगा कि 1500 मीटर इज इक्वल टू 1 and 1/2 किलोमीटर, कि 1000 का 1 किलोमीटर हो गया एंड 500 मीटर का 1/2 किलोमीटर। तो फाइनल आंसर क्या है 1 and 1/2 किलोमीटर, ठीक है। किलोमीटर तो आपको इधर में भी मीटर में दिया है और आंसर इसमें लाना है किलोमीटर। तो पहले लिखा कि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 3 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होगा 3000 मीटर। तो इधर आपको क्या दिया है 3000 मीटर दिया है, तो 3000 मीटर इज इक्वल टू कितने लिख सकते हो 3 किलोमीटर लिख सकते हैं। तो इन 3000 मीटर रेस पीपल रन 3 किलोमीटर, तो फाइनल आंसर क्या आया 3 किलोमीटर, क्योंकि 3000 मीटर इज इक्वल टू 3 किलोमीटर हम लिख सकते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि 10 राउंड्स ऑफ अ स्टेडियम ट्रैक लाइक किलोमीटर, तो आपको ये बुक में दिया है कि राउंड ऑफ स्टेडियम ट्रैक इज इक्वल टू कितने मीटर 400 मीटर। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 10 राउंड्स ऑफ अ स्टेडियम ट्रैक इज इक्वल टू कितने किलोमीटर वो पूछा है। तो 10 rounds of stadium track is 10 से मल्टीपल करना पड़ेगा 10 × 400 मीटर करना पड़ेगा, तो 10 × 400 करोगे तो क्या आएगा आंसर 4000 मीटर। पर इधर आपको मीटर में दिया है तो मीटर पर आपको आंसर इसमें लाना है किलोमीटर, तो किलोमीटर में आंसर लाना है, जो मीटर का आंसर मिला उसको हम किलोमीटर से क्या करना पड़ेगा डिवाइड, ठीक है। तो 4000 मीटर इज डिवाइड क्या करना पड़ेगा 1000 किलोमीटर, तो 0 0 क्या हो जाएगा पर, तो 4 / 1 इज इक्वल टू क्या आंसर किलोमीटर में मिला आपको 4 किलोमीटर। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है, सो इफ यू रन अ मैराथन ऑन अ स्टेडियम ट्रैक यू हैव टू कंप्लीट इट ब्लैक राउंड, तो क्या पूछा है कि स्टेडियम ट्रैक यू हैव टू कंप्लीट नाउ फॉर द नंबर ऑफ राउंड्स टू बी कंप्लीटेड, तो वो 4 किलोमीटर 4000 डिवाइड क्या करना पड़ेगा 100, तो 0 0 क्या हो जाएगा कट, तो 40 डिवाइड 4, तो 40 डिवाइड 4 का डिवीजन करोगे तो आंसर क्या मिलेगा 10।